अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली कंपनी ने अपना 2024 का मॉडल लॉन्च कर दिया है CG125। तो आज मैं आपके लिए इसका वॉक अराउंड रिव्यू लेके आया हूँ। कंपनी ने इसमें 77 न्यू चेंजेस किए हैं इसकी बॉडी में और इसके इंजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी बॉडी की और बाद में बात करेंगे इसके इंजन की। तो आए स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू। जी तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इसकी फ्रंट हब से। कंपनी ने इसकी फ्रंट हब चेंज की है और इसमें इसका ब्रेकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया है। और बात करेंगे इसके फ्रंट शॉक की। इसके फ्रंट शॉक्स कंपनी ने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किए हैं और यहाँ पे इसका फ्रंट एम्बलम कंपनी ने चेंज किया है। ये आप देख सकते हैं, अगर ओल्ड मॉडल्स में देखें जस्ट एक होंडा का लोगो था यहाँ पे, अब इन्होंने एक क्रोम की फिनिशिंग दी है इसके फ्रंट एम्बलम में। और इसका यहाँ पे एक लाइट हुआ करती थी, वो उसको रिमूव करके उसकी शॉक पर लगा दिया गया है। इसके माइनर इस तरह के काफ़ी सारे चेंजेस इसकी बॉडी में, तो मैं साथ साथ हम सारे इसके जो चेंजेस हैं वो हम कवर करते जाएंगे। इसकी फ्रंट हब हो गई, फ्रंट एम्बलम हो गया। और बात करते हैं इसके हैंडल बार की। हैंडल बार बिल्कुल सेम है, और जो इसका इस बार मेजर चेंज है वो है इसका स्पीडोमीटर। आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। इसकी लाइट्स को इम्प्रूव किया गया है, इसकी मीटर की ग्राफिक्स को इम्प्रूव किया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें CG125 की बैजिंग है, गियर इंडिकेशन की लाइट, न्यूट्रल की लाइट और इंडिकेटर्स की लाइट इसमें इस मीटर में दी गई है। तो आए बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक ग्राफिक की। जो इस साल का सबसे बड़ा मेजर चेंज है वो है इसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक। इस बाइक को पावर अप का नाम दिया गया है। वो पावर अप का नाम क्यों दिया गया है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, इस बाइक को पावर अप क्यों कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स की। इसका फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके साइड कवर में रेसिंग फ्लैग का एक लोगो डिज़ाइन दिया गया है, जो कि इसकी पावर अप का एक एम्ब्लम है। और इसके जो फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसमें ग्रे, रेडिश एंड ब्लैक की पट्टी है, जो कि बाइक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव लुक दे रही है। एंड बात करते हैं इसकी सीट की। कंपनी ने इस बार इसमें मेजर चेंज ये किया है कि इसकी जो कंपनी ने इसकी सीट को इम्प्रूव किया है, इस सीट की लेंथ को इम्प्रूव किया गया है और इस सीट के डिज़ाइन को इम्प्रूव किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें CG की बैजिंग है और इसकी जो कुशनिंग है इसको इम्प्रूव किया गया है। ये जस्ट लाइक इस टाइम होंडा प्राइडर के मुकाबले पर इसकी सीट चली गई है। हम लोग कहते हैं कि होंडा प्राइडर की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट इस टाइम कंपनी ने CG125 की सीट का जो कंफर्ट है वो होंडा प्राइडर के मुकाबले पे कर दिया। आप अगर इस पर बैठेंगे या आपको लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड पे बाइक थकाएगा नहीं, ये बाइक आपको कंफर्टेबल राइड देगा और आपकी बैक बोन में, आपके हाथों में, ग्रिप्स में दर्द नहीं होगा। इस बार इसका एक मेजर चेंज है। और बात करते हैं इसके चैन कवर की। चैन कवर एज यूजुअल सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसके रेयर शॉक सेम है, इंडिकेटर सेम है, लाइट सेम है, बैक लाइट सेम है। और कंपनी ने इस बार इसकी पिछली हब में भी इम्प्रूवमेंट किया है। इसकी पिछली हब में भी लेदर बड़ा डाला है, क्योंकि इसका ब्रेकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इसका साइलेंसर बिल्कुल सेम है। इंजन में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम बॉडी का रिव्यू कम्प्लीट कर लेंगे। इस बार कंपनी ने इसमें वो बाइक दिखने में नज़र नहीं आते चेंजेस, बट वो बाइक की इम्प्रूवमेंट में इजाफा कर रहे होते हैं, उसके चलने में इजाफा कर रहे होते हैं। और ये कुछ बॉडी के इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें सीट आ जाती है, फ्रंट एम्बलम आ जाता है, फ्रंट शॉक्स का रेयर एंड आ जाता है, फ्रंट हब, बैक हब के लेदर आ जाते हैं और हैंडल बार है। इसमें वाइब्रेशंस कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए हैं एंड इसको पावर अप का नाम दिया गया है। तो आए अब स्टार्ट करते हैं इसके इंजन का रिव्यू। कंपनी ने जो इसका मेन इंजन में जो इसका इसकी चेंजिंग की है वो है इसका हेड सिलेंडर। हेड सिलेंडर में इसको चेंजिंग करने के जो पार्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें इसका रिंग पिस्टन को चेंज किया गया है, रिंग पिस्टन का साइज़ को बढ़ाया गया है, उसके रिंग्स को बढ़ाया गया है, इसके वॉल्व को बढ़ाया गया है, मतलब वॉल्व को चेंज किया गया है, और इसके क्रैंक शॉफ्ट को चेंज किया गया है जो कि इसके इंजन को घुमाती है। इस बाइक की जो टॉर्क को इम्प्रूव किया गया है। अगर आप सेम राइडिंग स्टाइल पे अपना बाइक 60 की स्पीड पे चलाते थे, अगर आप इस बाइक को वो उसी राइडिंग स्टाइल पे चलाएंगे तो बाइक 65 पे जा रहा होगा, क्योंकि इस बाइक की स्पीड को और टॉर्क को इम्प्रूव कर दिया गया है। ये बाइक इनिशियल पिक में भी ज़्यादा है, इसकी वाइब्रेशंस को कंट्रोल किया गया है, जो बाइक की स्टेबिलिटी को कंट्रोल किया गया है, जो कि बाइक हमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देता था, उस वाइब्रेशन को कम किया गया है। जैसे हम बड़े गियर में उठाते थे बाइक को और बाइक की एक गरारी घूमने की आवाज़ आती थी, उस गरारी को, उस आवाज़ को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। ये इसके इंजन के कुछ मेजर चेंजेस हैं।
वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसके जो बॉडी के कुछ माइनर चेंजेस हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। क्योंकि अगर आप इसको न्यू मॉडल एंड ओल्ड मॉडल से कंपेयर करेंगे तो ये बाइक आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा कंफर्ट देगा और ज़्यादा आपको इनिशियल पावर देगा। ये आप देख सकते हैं बाइक का वॉक अराउंड रिव्यू। फर्स्ट, इसके फ्यूल टैंक के जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। एक रेसिंग वाला जो इसमें फ्लैग है ना, वो उसको मैच कर रहा है इसके पावर अप के साथ। वो कि कंपनी ने इसको इस बार पावर अप का नाम दिया है, पहले पावर मशीन थी, अब इसको पावर अप के नाम से जाना जाएगा। बाइक के फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ हमारे साथ एक रेड कलर का बाइक भी मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पे हमारे पास होंडा सिटी 125 रेड कलर में भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं दोनों की लुक, आपको एक स्क्रीन में दोनों बाइक नज़र आ रहे होंगे। हमारे पास रेड भी है एंड ब्लैक भी है। ओके, रेड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, रेड की अपनी एक ग्रेस है एंड ब्लैक की अपनी एक ग्रेस है। ये था इसका एक वॉक अराउंड रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। क्योंकि इस फ्यूचर में आपके लिए इसका राइडिंग रिव्यू लेके आऊँगा, कुछ आपको बताएंगे चला के इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या कंपनी ने इंप्रूवमेंट्स की हैं, क्या नहीं की, हमें आपको कैसा लगा। अगर आप इस बाइक को चला चुके हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।